तो दोस्तों, जेका वॉल ट्रेड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग स्कॉच ब्राइट का ये मॉपिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हमने अमेजन से मंगाया है और ये हमको 1699 में मिला है। और चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये अपने ओरिजिनल पैक में है और उसके ऊपर पन्नी का ये पॉलिथीन रैपिंग है। जैसे दूसरे प्रोडक्ट में अमेजन अपना खुद का पैकिंग देता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, स्कॉच ब्राइट का मॉपिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम ये पॉलिथीन को हटा लेते हैं। हालांकि पॉलिथीन हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है और इतना पतला पॉलिथीन जो ये पैकिंग में इस्तेमाल किया गया है, ये तो आजकल हमारे शहर में आर्टिफिशियल फ्लोडिंग करने में ये ज्यादातर जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये शहर की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको चोक कर देता है और पानी को रोक लेता है, और मिट्टी के अंदर गया भी तो मिट्टी को भी ये सील कर देता है, जिससे मिट्टी पानी सोख ना पाए। तो ये अमेजन का बिल आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये अमेजन का बिल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 1699। तो ये हमारा लगभग ओपन हो चुका है, आखिर के कुछ राउंड बचे हैं। तो स्कॉच ब्राइट आप जैसे सबको पता होगा एक रेपुटेड कंपनी है, इसके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी रहते हैं उनके। तो ये हमने ट्राई किया, इससे पहले हमने गाला का इस्तेमाल किया था लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो गया, और उसका डिजाइन भी डबल ट्रे है जो कि थोड़ा इतना एट्रेक्टिव नहीं है, लेकिन ये पूरा बकेट जैसा है। बकेट में ही उसने अपना स्पिनर और वॉशर दोनों दे दिया है, और इसमें दो तरह की मॉप है। जैसे आप सबको पता होगा एक राउंड मॉप है और एक रेक्टेंगुलर मॉप है। तो ये करते हैं हम ओपन। ये खुल रहा है तो इसमें हैंडल है, इसको उठा दे। ये देखिए जैसे इसका जो बाल्टी बकेट आ गया है काफी बड़ा है, और ये उसका मटेरियल भी छू के देखते हैं, काफी अच्छा मटेरियल है। और इसके अंदर ये दिया है हमारा रेक्टेंगुलर, जिसको हम फोल्ड करके खोल सकते हैं, काफी अच्छा प्लास्टिक मटेरियल है। और इस तरफ आप जैसे देख पा रहे होंगे ये कॉटन का मटेरियल है जो फ्लोर को पोछा लगाने के लिए, और इसके साथ ये एक आता है अटैचमेंट, ये राउंड अटैचमेंट है, और ये है इसका स्पिनर जिससे मॉप में से जितना पानी होता है वो निकल जाता है। इसको हम राउंड मॉप यूज करते वक्त यूज कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर मॉप के लिए कोई स्पिनर, ये स्पिनर काम नहीं देगा। और यहाँ पे आप देखिए कुछ इसने इंडिकेटर्स बताए हैं, तो चलिए इसका हैंडल्स को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा जो राउंड मॉप अभी लग चुका है इसके हैंडल के साथ, और इसमें इसने मैकेनिज्म दिया एक ही बॉकेट में दोनों काम कैसे हो। तो आप पानी डालेंगे, आपको ये लॉक जो है इसको खोलना है, और ये पानी के अंदर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा जैसे ये धुल जाएगा, फिर इसको आपको उठा लेने हैं तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर में लॉक हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऊपर पानी ये स्पिन हो रहा है, और फिर आपको इसको ये लॉक को बंद कर देना है। देखिए यहाँ पे लॉक है, लॉक को बंद करेंगे और पॉकेट में से बाहर निकाल लेंगे और अपना पोछा लगाएंगे। ये हो गया ये वाला पोछा, और ये रेक्टेंगल पोछा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, ये आपको सिंपल पोछा लगाना है
तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मुझे लगता है ये प्रोडक्ट अच्छा जाने वाला है क्योंकि इसका मटेरियल जो है काफी अच्छा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो राइट साइड में घंटे का बटन होता है उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जेकब ऑल ट्रेड्स की वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।